हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था दैट आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, तो आज मैं जा रही हूँ बैंगलोर से एमपी। एमपी में कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, पूरी डिटेल, सारी डिटेल मैं रास्ते में बताऊँगी वाइल ट्रैवलिंग। ऑल्सो क्यों जा रही हूँ, रीज़न भी। आई हैव आस्क्ड माय पार्टनर कि हम बहुत दिनों से लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए हैं, तो लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। तो उन्होंने 2000 किलोमीटर्स की एक लॉन्ग ड्राइव डिसाइड की। सो एज आई ऑलवेज से, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी और अभी हम बैंगलोर में ही हैं। और हमने इस जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डे वन एंड डे टू। तो डे वन में हम जा रहे हैं बैंगलोर से नागपुर। बैंगलोर से नागपुर आई थिंक 1100 किलोमीटर्स है और एज़ पर गूगल हम रात में 11:30 बजे पहुँचेंगे आज रात को। और अभी हो रहा है टाइम अराउंड 8:15 और हम अभी भी बैंगलोर की आउटर रिंग रोड पे हैं। और ये जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, ये सब है हमारा गृहस्थी जो हम कैरी कर रहे हैं। एक गलती बस ये हो गई कि लॉन्ग ड्राइव मांग ली थी तो सारी गृहस्थी को हमें पैक करना पड़ गया। तो कभी भी कुछ मांगे ना तो सोच समझ के मांगे, कभी कभार ज़्यादा मिल जाता है। तो अब हम आए हैं डीजल भरवाने के लिए हमारे फेवरेट आउटलेट पे। बेंगलोर में बहुत सारी लेक है, ये कौन सी लेक है पता नहीं। लेक का नाम है पता नहीं, इस लेक का नाम है पता नहीं। सो इट्स 8:44 नाउ एंड वी हैव टच्ड NH44। ये एयरपोर्ट रोड भी है बेंगलोर का। वैसे कुछ भी कहो, बैंगलोर का ना वेदर बहुत अच्छा है और आज काफ़ी क्लाउडी है। हाँ, 2-3 दिन से काफ़ी क्लाउडी है। मतलब इस बार यहाँ पर प्रॉपर विंटर वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दिल्ली में है ना, दिल्ली वाली फील है। मतलब वैसे ही वेदर और इवन ठंड आपको फील हो रही है। तो मेरा एक सवाल है कि हम निकलने वाले थे 4 बजे, हम निकले क्यों 8 बजे? क्योंकि मैं और फिर मैं सो गया। फिर मैं उठा 5 बजे, मैं फिर से सो गया। फिर मैं 6 बजे उठा और मैंने तुम्हें उठाया कि चलो अब स्टार्ट करते हैं, तैयार होते हैं, चाय वाय पीते हैं। ये करते करते 8 बज गए, इसलिए थोड़ा डिले है। मतलब डिले तो नहीं बोलूँगा बट हाँ, मतलब काफ़ी लेट है। और अगर खानदान वालों से पूछेगा कि सोने के लिए कौन बदनाम है तो वो तुम। क्योंकि जब मैंने मम्मी को बताया कि हम सुबह निकलने वाले हैं तो मेरी मम्मी का पहला सवाल यही था, उठ पाओगी? मुझे याद है जब मैं वहाँ कहीं और ट्रैवल करती थी, जैसे हॉस्टल जाना है या इवन जर्मनी जब जाती थी तो सुबह की फ़्लाइट है, तो इवन मेरा भाई जो तब बहुत छोटा था, अब तो बड़ा हो गया, वो भी मुझसे ये कहता था सुबह की फ़्लाइट तो बुक की है, उठ पाओगी? तो बदनाम मैं हूँ। सो नाउ वी आर पासिंग नंदी हिल्स। ये सारी नंदी हिल की वो है ना रेंज? आई थिंक सो, मतलब है तो नंदी हिल्स ही, बट ये पूरी रेंज है। इनको कुछ पता नहीं, इनको लेक का नाम पूछो पता नहीं, इनको नंदी हिल्स पूछो पता नहीं है। और ये बैंगलोर, ये बैंगलोर के विकिपीडिया बने फिरते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। पानी ऑलरेडी बहुत भरा हुआ है मेरे पेट में, उसको पहले व्यवस्थित करना है मुझे। इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, जो कि बैंगलोर की USP है। बट आई थिंक अब हम बैंगलोर से काफ़ी आउट, काफ़ी बाहर आ चुके हैं। कुछ अजब अजब तरीके के नाम हैं जो कि आई डोंट थिंक कि मैं प्रनाउंस कर पाऊँगी। कोई नहीं कर सकता। कैसे बताओ, एक नाम बता दो। चलो ठीक है, ये आ रहा है अभी, क्या है ये? हाँ, जो क्या था, तट्टमल्ली, मिचिन्नहल्ली, तट्टहल्ली। आई डोंट थिंक ये कोई नॉर्मल इंसान, मतलब यहाँ के लोग ऑब्वियसली ले पाते होंगे,
बट हम लोग नॉर्थ इंडियंस नहीं ले पाएंगे. तो यहाँ हम ले रहे हैं फास्ट टैग. जितने भी टोल्स हैं उनमें फास्ट टैग के आउटलेट अवेलेबल हैं. हम यहाँ एयरटेल फास्ट टैग से हमने फास्ट टैग लिया है, तो आपको इसके लिए चाहिए एयरटेल ऐप, आपका आधार कार्ड और कुछ कैश. एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे विंडमिल्स हैं. किया मोटर्स की फैक्ट्री 5 किलोमीटर है यहाँ से. हाँ, किया मोटर्स की फैक्ट्री भी है, अभी बीच में पड़ेगी तो हम दिखाएंगे. तो हम किया मोटर्स की फैक्ट्री को भी ट्राई करेंगे कैप्चर करने का. अभी बज रहा है 11:14 और हम आई थिंक अनंतपुर आंध्रा पहुंच चुके हैं. सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स. तो अभी नागपुर पहुंचने में स्टिल वी हैव टू कवर आई थिंक 900 किलोमीटर्स. हाँ, और जब हम फास्ट टैग लेने रुके थे तो एक मच्छर आके किस्सी करके चला गया है. तो इट्स एक्चुअली इचिंग. मच्छरों को मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार है. चाहे 4 लोग बैठे रहेंगे ना, बट मुझे ये किस्सी मिलती है. हाँ, तो 240 किलोमीटर है, शायद 5 बजे तक पहुँचेंगे. बट मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट 4 या 4:30 तक पहुँचे, ताकि फिर नागपुर हम थोड़ा जल्दी पहुँच पाए, अराउंड 10 या 10:30 तक. लेट्स सी, रोड तो अच्छी है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. बट देखो, अभी खाना भी खाना है. थोड़ी थोड़ी मुझे भूख लग रही है और मैंने खाना खाया नहीं है. और हमने अभी हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया ना, हम कहीं रुके नहीं है ना. मतलब एक ब्रेक लिया है ऑनेस्टली, वो जो फास्ट ट्रैक वाला, वो कोई ब्रेक थोड़ी था वो. तो हाँ, मतलब हमने ब्रेक नहीं लिया, बट ओवरऑल मतलब 20 मिनट का ब्रेक समझ सकते हो कि था ओवरऑल वो. तो जब आप लंबे टूर पे निकलते हैं तो आपके साथ कुछ हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. कुछ छोटी मोटी मिसहैपनिंग्स तो होती रहती हैं, एंड वी आर नो एक्सेप्शन. तो हमारे साथ भी एक छोटू सा कांड हुआ है. कांड नहीं, बेसिकली कुछ कहानी होनी चाहिए. हाँ, कुछ बताने के लिए होनी चाहिए. तो हमारा जो गाड़ी के बैक में जो टेल गार्ड लगा था वो निकल गया. कैसे निकला नहीं पता, कैसे निकला एक्चुअली. मैं उसके नट जो थे वो उतने टाइट नहीं थे, मुझे लग रहा था कि निकल सकता है, बट मैं उतना श्योर नहीं था कि मतलब इसको टाइट कर दूं या कैसा है या दिखा दूं. और एक्चुअली उसकी वजह से, तो मेरी गलती मान सकते हो मुझे. और मुझे ये बात नहीं बताई गई थी, क्योंकि अगर मुझे बताई जाती तो ऐसा नहीं होता, शायद मैं इनको लात मार के भगा के ठीक करवा देती. बट एनीवेज वो अभी हुआ नहीं. हाँ, एंड द गुड थिंग इज कि वो टोल गेट पे गिरा, टोल प्लाजा पे. वो टोल प्लाजा पे गिरा, तो हमारे जो पीछे कार थी उन्होंने हमको हॉर्न दिया और उन्होंने हमें बताया कि रख लिया है, बाद में इसको फिर से लगा देंगे. ये हम लगा देंगे इसको. ये दिख सकता है, देख सकते हो आप, अगर दिख रहा है तो. ये रहा, ये रहा. तो एक्चुअली अगर ये हाईवे पे गिरता तो दो चीजें थी. एक तो मतलब हमें नया लगवाना पड़ता, तो 2,000-4,000 रुपए का फटका, प्लस शायद पीछे जो कार होती या व्हीकल होता उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी. हाँ, तो थैंक गॉड तो कि वहाँ पे नहीं गिरा और कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई. एक अच्छी सी कहानी बन के रह गई. काफी चौड़ी है, काफी बड़ा. तो ये नदी है, इसमें चौड़ी है, मतलब काफी चौड़ी है. तो ये
कृष्णा रिवर है, इसलिए मैं किसी से नहीं पूछूंगी कौन सी, क्योंकि शायद लोगों को पता ही नहीं होगा। मुझे पता नहीं है और मैं अभी भी नहीं मान रहा कि कृष्णा रिवर है। ये कृष्णा रिवर ही है क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े हुए थे एंड दे वर प्रेइंग और वहाँ पे लिखा हुआ था कि कृष्णा रिवर, इसलिए मुझे पता। मैंने पहली बार देखी कृष्णा रिवर, चलिए देखी। सो राइट नाउ इट्स 3:18 और अभी अभी हमने शाकापुर टोल क्रॉस किया है, तो टोल पे हमें ज़्यादा हैसल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास फास्ट टैग है। तो अगर आप लॉन्ग रूट पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फास्ट टैग ले लें। पहली चीज़, एक तो आपको बार बार करेंसी देना लेना नहीं पड़ेगा, तो वो एक टच वाला चीज़ ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, फास्ट टैग होने से इतना ज़्यादा टोल पे कन्वीनियंस हो जाता है कि आप ईजिली पास ऑन कर जाओगे और वहाँ पर आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो जो टोल के पास का जो एरिया है अराउंड 500 मीटर्स, वो थोड़ा सा ख़राब है, तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा डाइवर्जन लेना पड़ेगा। बाकी जो रूट है या रोड है वो बेटर है, अच्छी है, अभी तक काफ़ी अच्छी है। इवन जहाँ हमने बैंगलोर से जब से स्टार्ट किया है अभी तक हमें ऐसी कोई भी रोड नहीं मिली है जो हमें लगे यार ये तो टूटी फूटी या ख़राब सी है या यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा स्मूथ है। बस आप एक काम करो, फास्ट टैग ले लो तो आपका जो जर्नी है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। So we are about to reach Hyderabad. 40 kilometers more now. Yeah. Look at the beauty. Then we will have lunch. Yes, finally. I know my driver is hungry. Is pretty hungry and very soon he'll be angry. So he'll become hungry. Hungry, hungry. तो आई थिंक ये पहला टोल है जहाँ पर इतना ट्रैफिक है और ये जो है हैदराबाद एंटर करने का टोल है। 10 मिनट से हम यहाँ वेट कर रहे हैं और आई थिंक अभी 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा और लगेंगे। यस, आई थिंक अभी तक जितने भी हमने टोल क्रॉस किए वो सब काफ़ी स्मूथ थे। ये पहला ही है जिस पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना। ये हैदराबाद एंटर करना चाहिए इसलिए। हाँ, यहाँ पर आई थिंक मोर देन व्हीकल्स आई कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रक, तो मे बी ये जो दूसरे स्टेट वाले रहेंगे। 20 मिनट तक लग जाएगा। बाप रे, तो यहीं पर ही लंच कर लेते हैं। अब मुझे आई एम श्योर कि अगर मैंने इस जर्नी में मेरा ये हाफ जो पोर्शन है वो टैन हो जाएगा और हाफ टैन नहीं होगा। I will look like zebra. Okay. You look like zebra. Yes. तो अगले जब मैं रिव्यू बनाऊंगी तो हो सकता है कि आपको लगे कि ये कुछ अलग टाइप का मेकअप है, पर वो हाफ हाफ टैन रहेगा। So finally we are about to cross this toll. After 15 minutes. After 15 minutes. और ये एक अच्छी बात है, फास्ट टैग होने से हमारा फिर भी स्मूथ है हमारी लेन। अगर जो कैश वाली अगर आप लेन देखोगे तो उसमें फिर भी टाइम लग रहा है। सो इट्स 4:51 ऑलमोस्ट 5 एंड वी हैव क्रॉस्ड हैदराबाद एंड करेंटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नागपुर और अभी हम नागपुर हाईवे पर ही है ना। मेरे 5 बजे का टाइम था, मैं सोच रहा था 4:30 बट ठीक है 20 मिनट। एक्चुअली वो वाले टोल पे हमें काफी टाइम, हां भाई उसमें लगा ना, अगर वहां पे ट्रैफिक नहीं होता तो फिर हमको उतना टाइम 4:30 तक क्रॉस कर जाते। तो आई थिंक वी हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। तुम कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे हो, ब्रेक भी नहीं लिया है। आर यू नॉट टायर्ड ऑफ ड्राइविंग? नहीं उतना है बट उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्रूज कंट्रोल यूज़ कर करके आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हो तो उसकी वजह से नहीं है। काफ़ी अच्छी रोड है, 5 लेन रोड है ना, 6 लेन रोड है और काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ रहा है चलाने में। आई थिंक बहुत स्मूथ है और वीडियो इसलिए थोड़ा सा शेकी हो रहा है क्योंकि गाड़ी चल रही है आई थिंक 130 की स्पीड पे, तो इसलिए अभी जो लास्ट के 2-3 वीडियोज़ हैं क्योंकि जब से हम इस रोड पर आए हैं हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि हमको नागपुर पहुँचने की थोड़ी सी जल्दी है।
सो इट्स 6 PM, वी हैव क्रॉस्ड तुपरान और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नागपुर, और अभी हमको आई थिंक 453 किलोमीटर्स बाकी है क्रॉस करना. तो 70-80 या मैक्सिमम 90 तक भी जा पाएंगे. हाँ, एक्चुअली ये जो रोड है, जो ये वाला मतलब हाईवे है, ये 2 लेन है, तो यहाँ पर आप ज़्यादा मतलब स्पीड नहीं ले सकते हो, तो यू हैव टू मेंटेन आइदर 70-80, उससे ज़्यादा आप लोगे. और यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल आई डोंट थिंक ये काम करने वाला है, क्रूज़ कंट्रोल तो काम ही नहीं करेगा, तो इसलिए आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है. मिनिमम आई थिंक 5 to 6 hours लगेंगे. हाँ, और आई थिंक अभी हमको नागपुर पहुँचने में अराउंड आई थिंक हम 11:30 तक पहुँचेंगे. अभी 6 PM है, 11:30 तक हम पहुँचेंगे, बट विल मेक श्योर कि हम 12 AM से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि हमने नागपुर में होटल ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो अगर हम 12 AM के पहले नहीं पहुँचेंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो इसलिए विल मेक श्योर कि हम पहले मतलब 12 बजे से पहले पहुँच जाएँ. रीज़न क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि ये जो टोल प्लाज़ा है वो अभी बन रहा है, तो यहाँ पर जो भी स्कैनिंग है वो मैनुअली हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है. तो अभी बज रहे हैं 9 और अभी भी नागपुर 252 किलोमीटर है, और हमारे ड्राइवर साहब को क्रेविंग हो रही है चाय की, पर इस रोड पर कहीं भी कोई चाय या ढाबा अभी तक हमें नहीं दिखा हुआ है, और काफ़ी डार्क है, तो रुकना अभी थोड़ा मतलब कहीं रुक भी नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो देखते हैं अगर कहीं मिलेगा तो विल स्टॉप ओवर देयर टू हैव अ कप ऑफ टी. तो अभी हमने मामा कोंडा टोल प्लाज़ा क्रॉस किया है, और उसी के पास में एक छोटा सा ये चाय का स्टॉल है जहाँ पर हम रुके हैं चाय के लिए. मैं तो चाय पीती नहीं तो मैं बाहर नहीं गई हूँ, वो अभी चाय पी के आएँगे, देन विल स्टार्ट अ जर्नी अगेन. ये एक छोटू सा चाय का स्टॉल है, यहाँ पर चाय, कॉफ़ी और थोड़ा सा बहुत स्नैक्स मिल रहा है, तो बाकी और कुछ यहाँ पर इस रास्ते में हमें अभी तक कुछ नहीं दिखा जहाँ पर हम चाय वाय पी सकें, तो इसीलिए हम चाय पियेंगे यहाँ से और फिर हम वापस निकलेंगे नागपुर के लिए. एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि मैं 11:30 से पहले हम नागपुर पहुँच जाएँ. एक तो हम ऑलरेडी लाइक ही इज़ ड्राइविंग फ्रॉम लास्ट 12 hours, तो थोड़ा रेस्ट की अब ज़रूरत है. उसके अलावा क्योंकि होटल की बुकिंग हमने आज की है, तो 12 बजे के बाद, जैसा कि शायद मैंने पहले भी बताया है, 12 बजे के बाद वो होटल हमको फिर वो नेक्स्ट डे हो जाएगा, तो हमको होटल वापस बुक करना पड़ेगा और पता नहीं वो मिले नहीं मिले. तो हमने अभी ली मेरिडियन में कॉल किया है, हमने ली मेरिडियन बुक किया है, तो वहाँ पर हमने कॉल किया है और हमने उनको बोला है या कन्फर्मेशन दिया है कि हम विल ट्राई टू रीच बिफोर 12. सो आई एम जस्ट होपिंग एंड आई जस्ट वांट कि हम पहले पहुंच जाएं ताकि हम अच्छे से सो सकें, आराम से सो सकें, और फिर कल की जो वापस जो जर्नी है वो फिर हम स्टार्ट कर सकें. आप काफ़ी टाइम से चाय के लिए क्रेव कर रहे थे, तो क्या आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो गई? नहीं, बहुत ही घटिया थी चाय, बहुत ही बंदी थी, तो मतलब चाय पीने के लिए रुके 10 मिनट हमने ख़राब किया, और बेसिकली मैंने ख़राब किया, इससे अच्छा ना ही पीता मैं. ठीक है, चलो, मन था, ट्राई किया, नहीं हुआ, बिल्कुल भी पीने लायक नहीं थी क्या? इतनी ज़्यादा ख़राब थी? बहुत ही ख़राब थी, मशीन वाली थी एक्चुअली. अच्छा. एक्चुअली हैंड में चाहिए, मशीन वाली थी, और वो भी पता नहीं क्या था. पर अब इस रोड पे कोई है भी तो नहीं ना, तो आप पियोगे भी तो कहाँ से पियोगे? जो है वही है, नहीं पी सकते. वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ढाबे नहीं है, तो इतना मतलब एटलीस्ट पिछले 1 घंटे से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला. राइट, मैं कब से बोल रहा हूँ रुकूंगा, लेकिन नहीं मिला. और दूसरा ये कि हाँ, एक काम अच्छा हुआ, चाय पीते पीते मैंने होटल पे कॉल किया था और उनको बताया कि विल बी प्रॉब्ली लेट एंड विल बी कमिंग अराउंड 11 or 11:30, तो चेक इन में प्रॉब्लम ना हो. तो एटलीस्ट इवन आई एम होपिंग कि मैं हम लोग 11:30 बजे से पहले पहुँच जाएँ, या 11:30 मतलब एटलीस्ट 12 बजे से पहले पहुँच जाएँ, सो दैट ये सो सकते हैं आराम से, तो ताकि कल की जो जर्नी है वो हेवी ना हो, क्योंकि अगर आप रात में सो लोगे तो आप फ्रेश हो जाओगे, तो फिर कल की जर्नी में और थोड़ा सा मज़ा आएगा. तो इतनी स्वादिष्ट चाय पीने के बाद में जब आपका मन ख़राब हो जाता है, तब आपको छाछ पीनी होती है.
भी जीरा और चाट मसाला या जो जो भी है, हाँ जलजीरा वलजीरा डाल के घर के। एक्चुअली घर से बहुत सारा छाछ बना के लाए थे, रीजन बिंग जब आप ट्रैवल करते हो ना तो थोड़ा सा ये टाइप के जो ड्रिंक्स होते हैं ना, छाछ या जीरा वाटर या कुछ भी खट्टा, बहुत अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग होता है, रिफ्रेशिंग होता है एक्चुअली। हाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पी सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हो, बट आई थिंक छाछ वाच इज समथिंग जो मतलब बहुत रिफ्रेश करता है आपको। और अगर आपने स्पेशली लंच में या डिनर में अगर आप पूरी सब्जी खा रहे हो तो जो कि हमने खाई है, तो हाँ मतलब अगर आप पूरी और आलू की सब्जी ये सब खा रहे हो तो उसके बाद में छाछ इज मस्ट। हाँ यहाँ से अभी नागपुर 180 किलोमीटर है, 9:30 हो गए हैं तो मुझे लगता है कि 12 से पहले तो पहुँच जाएंगे, बिकॉज रोड अच्छी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब व्हीकल्स कम है, ट्रक ही हैं जो है वो ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो पहुँच जाना चाहिए 12 के पहले। साहब ट्राई तो वी कैन मेक इट और नॉट, ट्राई तो कर रहे हैं आप, पहुंच जाए अगर तो। तुमने चलाया नहीं ना, नहीं तो तुम तो उड़ा देती तो थोड़ा सा। सो अब हम नागपुर पहुंच चुके हैं और यहां से डीजल भरवाने के बाद में विद इन 10 मिनट्स हम अपने होटल में एंटर कर जाएंगे। सो इट्स 12:30 और हम नागपुर पहुंच गए हैं, हम अपने आज के डेस्टिनेशन ली मेरिडियन में पहुंच चुके हैं। सो माय पार्टनर इज़ डूइंग ऑल द चेक इन फॉर्मेलिटीज़, मीनवाइल आई वाज सिटिंग एंड चिलिंग इन द कार। तो हमने 1100 किलोमीटर्स कवर किया, हमने ज़्यादा कहीं ब्रेक नहीं लिया, हमने एक दो ब्रेक्स लिए वो भी 5-5 मिनट के, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारी जो जर्नी थी वो कंटिन्यूस ही रही है और हमने 7:30 AM इन द मॉर्निंग स्टार्ट किया था, हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है और अभी बज रहे हैं 12:30। तो अगर आपको कोई टाइम कंस्ट्रेन है तो ट्राई कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें और मेक श्योर कि आप 6 AM तक तो स्टार्ट कर ही दें, अदरवाइज़ यहाँ पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाता है एंड देन यू नो थोड़ा सा दैट्स नॉट गुड। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, एटलीस्ट 6 तक तो स्टार्ट कर ही दें। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर तो आप यहाँ 10 बजे तक पहुँच पाएंगे और हमको थोड़ा सा लेट हो गया है, हम 12:30 पहुँचे हैं, हमने स्टार्ट ही लेट किया था। तो अभी जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं आई विल गिव यू अ रूम टूर एंड यू नो एक्चुअली वी बोथ आर वेरी टायर्ड और पता नहीं क्यों बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं सडनली। डार्क सर्कल तो चलो समझ में आता है दैट आई हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपरली, तो डार्क सर्कल इसलिए है, बट आई डोंट नो व्हाई माय हेयर हैज़ बिकम वेरी वेरी फ्रिजी एंड ड्राई, इट्स ओके। सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनसाइड आवर रूम एंड दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स। आप जैसे यहाँ से एंटर होंगे तो पहले ये है आपका ओपन वार्डरोब और अंदर इसमें देख सकते हो आयरन भी दिया है, आयरन बोर्ड भी दिया हुआ है एंड हैंगर्स हैं, तो आप चाहो तो अपना अगर लगेज आप ओपन करना चाहते हो ज़्यादा दिन के लिए है तो आप ओपन करके आराम से रख सकते हैं। नीचे यहाँ पर शू रैक है, आपका फुल व्यू मिरर, और उसके बाद में ये है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम में ये है हमारा सिंक, यहाँ पर आपकी सारी एमिनिटीज़ हैं, कुछ चार्जेबल हैं कुछ नॉन चार्जेबल हैं दैट ओके। उसके बाद में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये हमारा लगेज है, हम सारा लगेज नहीं लाए, हमने सारा गाड़ी में छोड़ दिया है, जो इम्पोर्टेंट था वही लेकर आए हैं क्योंकि हमको कल वापस से ट्रैवल करना है। तो उसके बाद में ये है साइड बेड, यहाँ पे आपका वाटर दिया हुआ है, ये लैम्प है इधर और ये बेड है, आई थिंक ये किंग साइज बेड है, काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी क्लीन है। और ये है आपका टीवी स्टेशन और यहाँ पर है आपकी स्टडी टेबल और ये आपका सोफ़ा, तो काफ़ी ह्यूज रूम है एंड आई थिंक दे हैव आल्सो गिवन अस बालकनी क्योंकि अभी पूरा अंधेरा है। सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी हाउ ह्यूज दिस रूम लुक्स एंड द बेस्ट पार्ट इज़ काफ़ी क्लीन है, काफ़ी हाइजीन इन्होंने मेंटेन करके रखा है। तो अगर आप अपने क्विल्ट्स लाना चाहते हैं, अपनी बेडशीट लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं, बट आई फील इट्स प्रिटी मच क्लीन,
तो अगर आप नहीं भी लाएंगे तो चलेगा. रूम में यू कैन स्निफ सैनिटाइजेशन का स्मेल, तो सैनिटाइजेशन प्रॉपरली किया गया है और हमने नीचे भी मेक श्योर किया है कि वेदर दे हैव डन प्रॉपर सैनिटाइजेशन और नॉट. नाउ वी ऑफ टू बेड और कल हम कल की जर्नी हम वापस आपको दिखाएंगे. सो कीप ऑन वॉचिंग. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. हो सकता है जो लोग इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.